हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बिहार की स्पेशल मीठी और नमकीन शरबत की रेसिपी जो कि बनी है सत्तू से। चलिए तो झटपट से स्टार्ट करते हैं रेसिपी। इस शरबत को बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सत्तू की। सत्तू को बनाया जाता है रोस्ट किए हुए चने को पीस के। बिहार में तो ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप रोस्ट किए हुए चने को पीस के भी इसे बना सकते हैं। सत्तू के नमकीन शरबत के लिए हमें ज़रूरत होगी कटी हुई प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटे हुए पुदीना के पत्ते, एक ग्लास ठंडा पानी, नींबू, काला नमक और नॉर्मल नमक। अब एक बाउल लेके उसमें 2 बड़े चम्मच सत्तू लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 ग्लास सत्तू का शरबत बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच सत्तू का यूज किया है। इसके बाद इसमें 1 चम्मच बारीक कटी हुई प्याज, थोड़े से बारीक कटे हुए हरे मिर्च और थोड़े से बारीक कटे हुए पुदीना के पत्ते डालेंगे। इसमें हम स्वादानुसार नमक मिलाएंगे और टेस्ट के लिए थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट भी मिलाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। हम इसमें एक बार में पानी ऐड कर देंगे तो गुठलियाँ पड़ सकती हैं, इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते हुए इसे मिक्स करते रहेंगे। अगर सुबह की भागदौड़ में कभी आपको नाश्ता बनाने या करने का टाइम नहीं मिले तो आप झटपट से इसे बना कर पी लीजिए। यह आपको बहुत देर तक फील रखेगा और ये बहुत न्यूट्रिशियस भी है। ये गर्मियों के दिनों के लिए बहुत अच्छी है, इससे आपको लू भी नहीं लगेगी। थोड़ा थोड़ा करते हुए हम इसमें पूरा पानी ऐड कर देंगे और इसका शरबत तैयार कर लेंगे। लास्ट में हम इसमें 1/2 नींबू निचोड़ लेंगे। इसे आप बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। शरबत का टेस्ट इसी से बहुत बढ़ता है। बोल सकते हैं असली टेस्ट मेकर यही नींबू है। इसे शरबत में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लीजिए, झटपट से तैयार है सत्तू का नमकीन, हेल्दी और टेस्टी शरबत। इसके बाद सत्तू का मीठा शरबत बनाते हैं। इसके लिए हमें लगेगा सत्तू, 2 चम्मच या स्वाद अनुसार चीनी, 1 ग्लास ठंडा पानी, थोड़ा सा काला नमक और नींबू। अब हम एक बॉल में 2 चम्मच सत्तू लेंगे। इसमें हम 2 चम्मच या स्वाद अनुसार शक्कर मिलाएंगे। इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड करेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए पूरे सत्तू को पानी में घोल लेंगे। अब हम लास्ट में इसमें 1/2 कटा हुआ नींबू निचोड़ लेंगे। सत्तू के नमकीन और मीठे शरबत दोनों में ही नींबू का यूज होता है। नींबू इसके स्वाद को 2 गुना बढ़ा देता है। लीजिए, कुछ ही देर में बनके तैयार है हमारे सत्तू की मीठी शरबत। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।